नमस्कार माय फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:30 और 5:45 का टाइम है। एक्चुअली आज मैं उठ गई थी 4 बजे। जैसे कि आप सबको पता है स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं और आज है 1 जुलाई। तो 1 जुलाई की वीडियो है ये। तो आज से बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट हो गए थे। हमारे टीचर्स के लिए कल से स्टार्ट हुए थे तो आज से बच्चों के लिए भी स्टार्ट हो गए हैं। तो हमारा रूटीन फिर मेरा वही से स्टार्ट हो जाएगा सुबह 4 बजे से। और अब स्कूल का टाइम भी चेंज हो गया है। एक्चुअली स्कूल का टाइम हो गया है सुबह 7 से 7:15 के बीच रिपोर्टिंग टाइम है। मतलब वहाँ पर हमें पहुँचना है 7 से 7:15 के बीच में। तो इसलिए मैं फटाफट अपना काम निपटाने के लिए यहाँ पर उठ चुकी हूँ। और आराध्या और शिवाय का, जैसा कि आज फर्स्ट डे है स्कूल का, और इनका जो हॉलीडे होमवर्क मिला है ना, वो भी मुझे इनके साथ भेजना है। और अपने स्कूल के लिए भी तैयार होना है, इनको भी तैयार करके भेजना है। तो बहुत सारा काम है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी है, घी की सब्जी मैंने चढ़ा रखी है कुकर में। एक्चुअली मैंने अभी तड़का ही लगाया है, प्याज टमाटर डाले हैं, घिया अभी इसके अंदर नहीं डाला है। और यहाँ पे अभी घिया डाल के मैं कुकर में इतने सब्जी बनती रहेगी तो मैं फटाफट यहाँ पे रोटी बना लूँगी। और हमारा जैसे कि मैंने बताया कि सुबह 7 बजे का टाइम हो गया, 7 से 7:15, ये तो मतलब बहुत जल्दी है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी छुट्टी भी जल्दी हो जाया करेगी। जैसे कि 1:15 पर हम स्कूल से वापस आ सकते हैं, मतलब 1:30 बजे तक फिर मैं घर भी पहुँच सकती हूँ। लेकिन वही है ना, सुबह जो काम निपट जाता है तो निपट जाता है, फिर बाद में घर पे वापस आके काम करने का मन ही नहीं करता है। तो अब देखते हैं, जितना काम सुबह निपट सकता है उतना मतलब करके चली जाया करूँगी। और जो बचेगा तो उसे मजबूरी में आके बाद में ही करना पड़ेगा, चाहे मन करे या ना करे। तो यहाँ पे मेरी सब्जी बनके हो चुकी है तैयार और अभी सब लोग सो रहे हैं, आराध्या शिवाय और ये भी सो रहे हैं। तो यहाँ पे सब्जी बनाने के बाद मैंने, जैसे कि आपको पता है कि आटा मैं नीचे बैठकर लगाती हूँ, तो यहाँ पे मैं नीचे बैठ के आटा लगा लिया है। अब चढ़ा रही हूँ मैं तवा। एक्चुअली जब ये वीडियो बना रही थी ना, मुझे फ़ोन का स्टैंड ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने ऐसे ही फ्रिज पे रख के फ़ोन ये वीडियो बनाई। और मुझे पता ही नहीं था कि फ्रिज का मतलब आधी वीडियो में आधा हिस्सा तो फ्रिज का ही आ रहा है। तो जब मैं इसको अभी एडिटिंग करी ना, तो तब जाके मुझे पता चला कि आधा हिस्सा इसमें फ्रिज का आ रहा है। तो यहाँ पे रोटियाँ कुछ रखी हुई थी, इनको मैंने निकाल के रख लिया अलग से, ये मैं डाल दूँगी गाय को। और रोटी मतलब दोपहर का खाना मैं आके ही बनाऊँगी, अभी सिर्फ लंच का बना रही हूँ, मतलब जो हम लेके जाएंगे साथ में। और नाश्ते में शिवाय को बना दूँगी, बनाना शेक पी लेगा। और आराध्या देखती हूँ, अगर ये ना दूध नहीं पीती, एक्चुअली अगर इसे दूध दो तो बोलती है मुझे ना, फिर प्रेयर में उल्टी आने लग जाती है, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं। लोगों को दूध पीने से मतलब तंदुरुस्ती आती है और इसको दूध पीने से चक्कर आने लग जाते हैं, पता नहीं कैसी लड़की है ये। तो इसलिए अगर ये दूध तो मुश्किल ही पिएगी, तो इसको मैं क्या करूँगी, दही के साथ एक आध रोटी दे दूँगी, या वैसे दही पिएगी तो वैसे दही पी के चली जाएगी, जो भी होगा। क्योंकि खाली दही पीने से भी 11 बजे जाके लंच होता है, तब तक भूख में लगाएगी इसे। तो इसलिए अगर एक आध रोटी ले लेगी साथ में तो और बेस्ट रहेगा। अब देखती हूँ ये कैसे नाश्ता करके जाएगी, तो ये करा के भेजूँगी इसे। बस फटाफट अब तो ये हो रहा है कि काम निपटाऊँ और बस घड़ी की तरफ ही ध्यान है भाई। टाइम एक फिक्स कर रखा है कि इतने टाइम में ये काम करना है, इतने टाइम में ये काम करना है, चाहे कुछ हो जाए। और ना ऊपर हमारा छत पे चल रहा है काम, तो सीढ़ियों में भी सारी सीमेंट और मिट्टी हो रखी है, तो सीढ़ियों में भी झाड़ू लगा के पोचा लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं निपटा लेती हूँ एक तैयार होते हैं, छोड़ने जा रहे हैं। तो हेलो गाइस, मैं आ गई थी स्कूल से 1:45 बजे आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने खाना खाया और लेट गई थी, और अभी टाइम हो रहा है 3:15 हो रहा है। तो अब उठी हूँ, अब मुझे देखती हूँ बच्चों का जो इनका हॉलीडे होमवर्क कल, एक्चुअली मैंने जो वीडियो बनाई थी ना वहीं तक ही बन पाई थी, क्योंकि कल बहुत मेहनत से मैंने इनका पूरा हॉलीडे होमवर्क तैयार करके इनको भेजा था स्कूल में। तो आज इनका फर्स्ट डे था स्कूल में, तो पूछती हूँ इनसे हॉलीडे होमवर्क का क्या स्टेटस है, क्या कर रहा है। आराध्या, हॉलीडे होमवर्क तुम्हारा सारा चेक हो गया?
आते रहोगे देखो। एसएसटी का कौन सा ये मॉडल है, एसएसटी का क्या है एसएसटी का? तो एसएसटी में कौन सा था वो, जब जो है फोर्सर सीट पे करते हैं शिवाय तेरा ले लिया मैम मॉडल नंबर, स्क्रैप बुक ले ली मैम ने समझा दिया मैथ्स का कैसे करना है, नहीं समझाया अभी तूने चार्ट मंगवा लिया इतने बड़े बड़े बच्चे भी तो करके आए उनको आ गया होगा समझ। हाँ तो वही कर लो तुम भी, और ये खाना खा के प्लेट है यहाँ क्यों रखा, क्यों उठाओ इनको जो उठा रहे थे टेबल साफ कर पढ़ाई करेंगे। होमवर्क मिला है होमवर्क आराध्या, होमवर्क मिला है शिवाय सुन नहीं रहा है, होमवर्क मिला है चलो उठाओ ये, चलो बैग निकालो अपने अपने पढ़ाई कराते हैं। जब से आए हैं ना ये देखिए ये देखने में लगे हैं, मेरा ध्यान बंद कर दे टीवी नहीं तो पिट जाएगी मेरे से। तो अभी इनको मैं थोड़ी देर बैठ के पढ़ाऊँगी, और इनको बोला है मैंने चाय बनाने के लिए एक्चुअली मेरे ना सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ये क्या बताऊँ पता नहीं क्यों इतना दर्द हो रहा है। तो मैंने बोला इनको बोला आधा आधा कप बना दो चाय, एक्चुअली मैंने चार पाँच दिन से चाय नहीं पी है, मैंने मुझे लगा कि मैं छोड़ दूँ चाय, लेकिन आज सर में दर्द हो रहा है चाय पीने का मन करता है, छूट ही नहीं सकती चाय। तो चलिए पहले मैं इनको ये टेबल साफ करवा के इनसे बैग निकलवाती हूँ। तो ये देखिए शिवाय का बर्थडे था 8 जून को, और जून में तो स्कूल बंद थे छुट्टियाँ थी, तो शिवाय को अभी दिया गया ये हैप्पी बर्थडे का कार्ड स्कूल की तरफ से। डियर शिवाय गडाई हैप्पी बर्थडे, देखिए ये वाला कार्ड, और इसने मुझे बताया भी नहीं गधे ने। अभी इसका बैग खोला तो उसमें से दिखा मेरे को ये, आराध्या निकाल के आई है ये आराध्या। इसकी डायरी भी निकाल दे, इसका हॉलीडे होमवर्क देखती हूँ मैं, होलीडे सॉरी इसका होमवर्क देखती हूँ आज का।